देखते हुए यहाँ का थाना प्रभारी बहन चौध मुर्दाबाद है, यहाँ का कोई थाना वाला नहीं आता है, न प्रशासन आता है, न एसपी आता है। यहाँ से डीएसपी कह कर गया, हम तीन रोज के अंदर में हम आपको पूरा कानून करवा के साथ में रिपोर्ट करेंगे। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। क्या हम लोगों की इलाका मुर्दाबाद है? क्या मुर्दा है? हम लोग जनता नहीं है क्या? हम लोग सरकार का आदमी नहीं है क्या? के लिए अंतिम लड़ाई मैं लड़ूंगा। बगल में पासवान में घट गए, इसी तरह के वो डीलर थे, इसी तरह की मौत दबंगों ने उनकी मार दी। मैं दोनों घटना की न्यायिक जांच मैं चाहता हूं कि एसपी साहब आप इस दोनों घटना जो तीन मौत पप्पू यादव के लिए शायद या मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहन होती तो मैं क्या करूं? बस मेरा सवाल यहीं आके रुक जाता है, क्या ऐसे लोगों को पनिश ना हो, ऐसे लोगों पर कार्रवाई ना हो? इसीलिए इस जांच, इस घटना को मैं बहुत ऊपर ले जाऊंगा। जब तक पूरी जांच नहीं करवाएंगे तब तक हम चैन से नहीं करेंगे। बस मैं इससे ज्यादा नहीं। सर, बिहार में बढ़ते अपराध को लिए क्या कहेंगे आप? सर, अपराध तो पहले भी था, आज भी है, अपराध घट नहीं रहा। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, अपराध घट नहीं रहा है। यह समाज भी दोषी है कि समाज पहले पूछता है कि किस जात के लोगों ने मारा, किस जात के लोग। जब समाज ही जाति के क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करेगी, समाज ही दबंग माफियाओं को जब एमएलए एमपी मुखिया बनाएगा, समाज ही 47-56 वाले को टिकट देगा, पार्टी ही समाज के कारण 47 वाले को अपना घर में दामाद बना के रखेगा, और हर पार्टी गलत लोगों को यदि टिकट देने की को जीतने के कारण ऐसे ही लोगों को देगा, तो लोग अब शॉर्टकट रास्ता चुन लिए हैं। 56-47 जमीन बालू और इस तरह की माफियागिरी करना और राजनीति करना, इसमें सिर्फ सिस्टम दोषी नहीं है, पार्टी भी दोषी है, समाज भी दोषी है और नेता भी दोषी है। इसलिए समाज को भी सुधरना पड़ेगा। क्रिमिनल किसी का जाति नहीं होता, क्रिमिनल कोई जमात नहीं होता, क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, उसको जाति के आधार पर नहीं देखा जा सकता। मौत मौत होती है, बेटी बेटी होती है, उसको जाति के आधार पर नहीं देखा जा सकता। बताऊं, मैं 20-20 लाख मुआवजा, एसआईटी की जांच, उस पासवान परिवार को भी 20 लाख की मुआवजा मैं दोनों में चाहूंगा, और मैं कल ही इस घटना को लेकर आईजी और डीजी से मिलने का प्रयास। आज से 10 दिन पहले जो घटना घटा था, ट्रिपल मर्डर, ये माँ अभी इंसाफ के लिए तड़प रही है और ये समाज के लोग भी इस माँ के साथ है, मगर इस माँ को इंसाफ नहीं मिल रहा है बिहार सरकार की तरफ से, बिहार के कानून व्यवस्था की तरफ से। बताइए माताजी, क्या उम्मीद करते हैं बिहार के कानून व्यवस्था और बिहार सरकार को लेकर? कुछ उम्मीद नहीं, हमर पति, हमर बेटा मर गया, अखन तक कोनो इंसाफ नहीं मिले, ना पुलिस आये, ना कोनो कार्रवाई चालू भले, खाली खाली पूरा 3 दिन के दलते हैं, 3 दिन से आये, 7-8 दिन भय गल, कोनो खोज खबर नहीं, दू गो नावो दलिए नौकरो नहीं पकड़ लखी। यानी कि जो मुजरिम है, जो घटना को अंजाम दिया, उसका नाम दिए थे आप? एफआईआर हुआ है? हाँ, एफआईआर मगर उठाए नहीं अभी तक। तो एसपी साहब से क्या कहना चाहेंगे आप? घुस खा के बैठा नहीं, एसपी साहब से क्या कहना चाहेंगे? एसपी साहब से वादा तो किए थे डीएसपी साहब, एसपी साहब से क्या कहना चाहेंगे? इंसाफ। दोस्तों, ये माँ इंसाफ के लिए तड़प रही है, मगर इस माँ को लगता नहीं है जो इंसाफ मिलेगा, क्योंकि बिहार का कानून व्यवस्था इतना कमजोर हो चुका है, इसका जवाब नहीं है। अभी एक और माँ हमारे साथ जुड़ेगी, कुछ देर रुकिए। जो हुए तो सब आदमी जान रहे, जो भी हुए न, सरकार भी सो रखे और पुलिस वाले, थाने वाले सब सो रखे, इसका कोई मतलब इस पर चेक नहीं दे रहा। यानी पुलिस प्रशासन का ध्यान है? बिल्कुल ध्यान नहीं। लगातार जो घटना पे घटना बढ़ रहा है बिहार में, खास करके समस्तीपुर जिला में, एसपी साहब से क्या कहना चाहिए? एसपी साहब जो बोल गए 3 दिन बताएंगे, एसपी साहब ने बोलते गए तो वो मेरे लोग को कुछ सूचना न कुछ हो किया, वो भी जाके सोया हुआ है, कोई सूचना हम लोग को नहीं मिला।
आज पता चला है जो पप्पू यादव जी यहाँ आ रहे हैं। हाँ जी आ रहे हैं तो वो क्या बोले तो सब आदमी सुनेंगे ना। क्या बोले जाने दोस्तों, बिहार में लगातार घटना पे घटना बढ़ रहा है लगा, यानी कि समझ लीजिए समस्तीपुर जिला में खास करके इस दो तीन महीने के अंदर में दो तीन मर्डर देखने को मिल रहा है। नहीं नहीं है, इस इलाके में ऐसा घटना हुआ है, अन्याय हुआ है, इनके साथ में बहुत बड़ा अन्याय किया गया है। हमारा पंचायत का आदमी, हमारे गांव का आदमी है, हमारे गांव में इतना बड़ा घटना हुआ है, अरे हमारे समाज का आदमी रात दिन रोते रोते इसका ब्लड खत्म हो गया, अभी तक इन लोगों का कोई सुनवाई नहीं हुआ। क्या बंजो एसपी है, बंजो मार खाने वाला एसपी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है महेश राय, मेरा ग्राम पड़ता है जाखर। आपको पता है सच का आईना।